अमृतसर के नजदीक गांव जंडियाला के पास एक कस्बा ठठिया के एक कॉलोनी में एक घर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल, एक फ्रिज और घर का सामान व कपड़े और बिजली का मीटर जलकर राख हो गया और 15,000 रुपए नकदी व कुछ सोने का सामान भी आग में नुकसान आ गया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग को काबू करते ही हरदेव सिंह बुरी तरह से आग में झुलस गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अमरीक सिंह ने बताया कि आग लगने से सारे घर का सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसने थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे थे, वह भी आग में नुकसान गए। आखिर में उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि उनकी कोई माली सहायता की जाए ताजो वह कर्फ्यू में अपना गुजारा चला सकें। बत्ती ने सवार को मारी है सर। किन्ने बजे राती लगी है? 11 बजे लगी सर। 11 बजे तो अंदर किन्ने जी से अपने? अंदर सर 2 काके बैठे थे। अच्छा, तो बचाव हो गया उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने बचाया सर, बाकी समान सब सड़ गया जी। अच्छा हाँ सर, समान कितना नुकसान हो चुका था? सर 1.5 लाख रुपये नुकसान हो गया सर। 1.5 लाख का की कीमती समान की सी बेचो थे सर? को मोटरसाइकिल, एक तो मोटरसाइकिल सड़ गया सर। हाँ जी, एक सर थोड़े रुपया 15,000 रखा है, दो छापा सर। ठीक है, बाकी लीटा कपड़ा सब सर सड़ गया सर। तो की मांग करते जी प्रशासन? तो प्रशासन तो सर मैं गरीब बंदा सर, की कर सकता जो प्रशासन का। किसी ने आन के ता कोई पता लिया आन के? सरपंच ने कोई मदद या हेल्प? नहीं नहीं सर, किसी ने ली अभी तक आया? कोई नहीं, कोई नहीं सर, मैं रोन लिया सर सवेरे। जंडियाला गुरु से कवलजीत सिंह और सुखजिंदर सिंह, जीवे पंजाब टीवी।